हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए मूली की मुरौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये कितनी टेस्टी लग रही है। फ्रेंड्स, मूली की मुरौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक मूली लिया है और इसे क्रश कर लिया है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और क्रश किए हुए थोड़े से अदरक। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला। इन दोनों से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और 1 चुटकी गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि नमक ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं छोड़ें, वरना मूली पानी छोड़ने लग जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा। तो चावल का आटा हम धीरे धीरे ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे इस तरह से। हमें चावल का आटा अपने हिसाब से ऐड करना है ताकि इस तरह से पकौड़े बनने लग जाएं। तो मैं यहाँ अभी थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, अब जैसे जैसे इसे मिलाते जाएंगे मूली से पानी छूटता जाएगा और ये अपने आप ही बंधने लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लगभग 1 से 1.5 कप चावल का आटा ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। मूली के मुरौरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अब इसे मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत हद तक मूली ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन अभी इसमें हमें थोड़ी सी पानी मिलानी होगी। तो मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, बहुत हद तक पानी छूट रहा है। जितना हम मिलाते जाएंगे इसका पानी छूटता जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे से पकौड़ी बनने के लायक तैयार हो जाएगी। ये देखिए, एक परफेक्ट मुरौरी का बैटर रेडी हो गया है। ये बहुत अच्छे से बनने लग गया है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये रेडी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। तो हमें मुरौरी को डीप फ्राई करना है, तो इसमें हम ज़्यादा तेल ऐड करेंगे। ये मैंने देखिए तेल इसमें डाल दिया है, इसे गर्म होने देंगे और ये मुरौरी के बैटर को हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बांधने के बाद हम इसे थोड़ा सा चपटा कर देंगे और इसे एक अच्छा सा शेप दे देंगे। इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें इसे डाल देंगे। इस तरह से एक एक करके हम इस तरह से बनाते जाएंगे और तेल में डिप करते जाएंगे, हाथों से दबाते हुए इसे शेप देंगे। बहुत ध्यान से बनाना है, नहीं तो ये टूटने लग जाते हैं। ये देखिए, ये रेसिपी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ या फिर बिना चटनी के भी इसे आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ये ऐसी रेसिपी है फ्रेंड्स कि आप इसे ठंडे होने के बाद भी खाएंगे तो इसका टेस्ट वैसा ही लगेगा। तो ये देखिए, हमने इतनी सारी बनाकर डाल दी, बाकी का हम बाद में बनाएंगे। तो इसे ऐड करने के बाद अच्छे से ब्राउन होने देंगे, फिर पलटेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं ये कहाँ तक पका है। तो ये देखिए, एक साइड से ये ब्राउन हो चुका है। फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और इस तरह से पलट पलट कर इसे दोनों तरफ से ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है और दोनों तरफ से बिल्कुल ब्राउन हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी टेस्टी लग रही है। तो इसी तरह से हम बाकी के मुरौरी भी
फ्राई कर लेंगे। शेप आप अपने अनुसार छोटे या बड़े दे सकते हैं, पर इसे बहुत पतला नहीं बनाना है, नहीं तो ये बहुत ही करारे हो जाएंगे ठंडे होने के बाद। तो इसे थोड़ा सा हल्का सा मोटा ही रखना होगा, तभी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये भी बनकर रेडी हो गई हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मूली की मज़ेदार रेसिपी, मूली की मरौरी बनकर रेडी है। तो ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और इसे बनाना भी कितना आसान है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करते रहिए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी करारी बनी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी है। और ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल गर्मा गर्म मूली की मुरौरी की रेसिपी आज हमने रेडी की। तो चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।